अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज की मेरी वीडियो है सऊदी नेशनल डे के हवाले से, सेकंड डे की। सेकंड डे में हमने क्या क्या किया, और चलें जी वॉच करें वीडियो और इन्जॉय करें। हाँ, तो ये हम लोग जा रहे हैं नादा पार्क फायरवर्क्स देखने। इतना ज़्यादा रश है, पीछे गाड़ी कहीं पार्क कर दी है और सब पैदल जा रहे हैं। ये देखें, रोड सारे ब्लॉक हैं और सब रश फायरवर्क्स देखने वालों का। तो गाइस, ऑनेस्ट रिव्यू आपको मैं ये दूंगी इस जगह का कि जितना मज़ा हम लोगों को एयर शो देखने में आया ना, उतना मज़ा ये सब देखने में नहीं आया। क्राउड इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा रश था। और ये जो है ना, लोकेशन हमने गलत सेलेक्ट करी थी। हमें दरिया की साइड पर जाना चाहिए था। हम लोग आगे थे नादा की साइड पर और फायरवर्क्स हो रहे थे कहीं दूर, पता नहीं कौन सी दुनिया में। आई थिंक कसर मॉल के पास हो रहा था, लेकिन हम लोग इधर आ गए और जगह जगह लोग बैठे हुए थे। चलने की भी जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। आप देख तो सकते हैं वीडियो में। रश है के बस। हाँ, मैंने कहा था मैं वॉक करूँगी, लेकिन मैंने अपने शूज़ नहीं पहने। मुझे पता था कि मे बी पॉसिबल ना हो, लेकिन बहुत रश है। ये देखें आप लोग कैसे बैठे हैं। अच्छा जी, रियाद में हो रही है दो जगह पर फायरवर्क का इवेंट, दो जगह पर हो रहा है, एक दरिया एक नादा। हम लोग नादा में है, दरिया नहीं गए, लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, पीछे खड़े हो गए हैं। अगर हम थोड़ा सा चल के आगे चले जाते, मेरे ख्याल से अगर इतना भी देख लिया तो बहुत है, जो हाल है। क्या कहते हो? कई लोग तो अभी तक गाड़ी में स्टक हैं, आ ही नहीं सके। एमओ ये सारी की सारी केमिस्ट्री है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, दरख्तों से आगे चले जाए। अच्छा, अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा आगे चले जाएं। ये जो दरख्त आगे इतने सारे आगे हैं ना, इनसे थोड़ा सा आगे चले जाएं, क्योंकि इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से गाड़ी इतनी दूर पार करके, इतना पैदल चल के बच्चों के साथ आए हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे हो जाएंगे ना, तो होपफुली कि इन दरख्तों से हटके। ये वाली जगह हमारी फाइनल डेस्टिनी थी, इसके बाद हम लोग आगे नहीं जा सके थे। और फायरवर्क्स भी मुश्किल से 10 मिनट्स का ही होता है, और 9 बजे ये स्टार्ट होता है, 9:10 पे ये ख़त्म हो जाता है। इधर आ जाएँ, आगे आ जाएँ, थोड़ा सा उस तरफ आ जाएँ, आगे नहीं बच्चों, आगे से जाके देखो, ज़्यादा अच्छी लग रही है, ज़्यादा क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वापस, बच्चे भी थक गए हैं, इनफैक्ट मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं काफ़ी दूर गाड़ी खड़ी की हुई थी। यहाँ पर जाना है, ये माउंटेन नहीं, नहीं यहाँ पे भी नहीं, इससे भी आगे, इससे आगे। तो बस अभी इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। इस पहाड़ के नीचे हमारी गाड़ी है वहाँ पर। चले जी, फाइनली हम पहुँच गए और अब जाएंगे सीधा घर। जिन फ्रेंड्स ने आना था उनसे अनफॉर्चुनेटली हम लोग मिल नहीं सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं पर ही रह गया। वेल, आज का दिन हो गया है ख़त्म, और वो जो दूर दूर से देखने वाला सीन था ना फायरवर्क्स का, वो हो गया है फिनिश। और 50-50 मज़ा आया, ज़्यादा नहीं भी आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। और यहाँ पर हम लोग क्राउड में पूरी तरह से फंस चुके थे, बहुत मुश्किल से यहाँ से हम निकले थे, फुल ट्रैफिक जैम था। और जाते जाते रास्ते में क्या देखा ये भी दिखा देती हूँ आपको। ये भी एक तरीका है अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करने का। These guys are enjoying on their cycles. ये I think real Saudi है ना? ये मतलब foreigners नहीं हो सकते, क्यों हो सकते हैं? ये देखें, साथ में आवाजें भी निकाल रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी। ये देखें, नीचे तो घरे आवाजें तो सुने, क्या कह रहे हैं?
इधर लाइट अप करो, लाइट अप, लाइट अप, लाइट अप किया है, लाइट अप, लाइट अप, इनको छुपा दो। चल, काफी बड़ा ग्रुप है ना, ग्रुप ग्रुप। यहाँ से देखिए, मैं इसको बंद कर देती हूँ, ये काफी ठंडा हो गया। यहाँ पर सऊदी नेशनल डे के हवाले से जो तैयारी की थी बच्चों ने भी, जो एक्सेसरीज़ वगैरह ली थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप इन्जॉय करेंगे ये वाला पोस्टर। हाँ जी लीन, साथ साथ आप बताते जाओ क्या क्या चीज़ें और ये आज टॉपअप कह रहे थे हम लोग, क्योंकि अलीन के स्कूल में कुछ एक्टिविटी थी 23 सितंबर से रिलेटेड, एज यू नो के सऊदी नेशनल डे होता है, तो वहाँ पर जो चीज़ें अवेलेबल थी उस वक्त मुझे जो नज़र आया वो मैंने ले लिया और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये वैंड है, नीचे रखें थोड़ा सा, तो साथ में ये ऑन करें, ये साथ में हेयर बैंड है। इस टाइम पर अरूश जो है वो सो चुकी है और ये दो चीज़ें वैसे अरूश के लिए हैं, अलीन के लिए नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज़ घर में आए और अरूश के लिए ना हो तो फिर कोई दूसरा इंसान भी यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, आप इसको कर दें, वैसे ये अच्छी चीज़ लगी थी मुझे तो मैंने ले ली। और सेकंड ओपन करें, अच्छा वैसे सारी चीज़ें तकरीबन 5 रियाल की हैं, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और ये जो मैंने लिया है जी, ये पिक्चर, ये 4 रियाल की थी। अच्छा क्या निकला है इसमें से, अच्छा ये नहीं ओपन किया आपने, ये कुछ हैंड बैंड है और ये भी ले लिया था, साथ में दिखाएं आप क्या ओपन कर रही हो। ठीक है, ये आई थिंक वो जो सैश होती है ना वो है जी, ये आप ऊपर से अपने पहन लेना ना, जब आप बैठोगी ना इन फ्रंट ऑफ कैमरा अलीन, तो आप ऊपर से ना इसको ऐसे स्लिंग फॉर्म में जैसे पहनते हैं। लिखा क्या हुआ है पहले ओपन करें, दिखाएं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी ठीक है, और इसको करें, ये क्या है, इसको भी निकालें, मतलब जो वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल थी मैंने ले ली, मैंने ये नहीं देखा कि अब क्या क्या उठा रही हूँ, बस ये था कि ग्रीन एंड वाइट नज़र आ रहा है और जो भी है मतलब मीन्स के कुछ तो होना चाहिए ना। और एक और बात थी कि मुझे वहाँ पे बैलून नहीं नज़र आए ग्रीन कलर के, इसकी मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हुई कि ग्रीन डे है और ग्रीन बैलून नहीं है मार्केट में, तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था। फिलहाल मैंने कोशिश भी नहीं की लेने की क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था, बस वहाँ से हम लोग निकले सीधा बस फिर घर। अच्छा ये क्या चीज़ है, हेयर क्लिप। अच्छा ये क्लिप है, ठीक है यहाँ से निकाल के दिखाओ। ठीक है चलें, ये हेयर पिन टाइप ही बनी हुई है, चलें ये भी आप लगा लेना। सही है, सब कुछ लगा के बैठ जाना जो जो आपके पास अभी अवेलेबल है ना। इसमें आई थिंक लाइट होगी, ये ऐसी नहीं है, इसको ऑन करें किसी तरीके से, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। और ये सारे काम ना करते हैं बाबा, ये देखे ना ये बना हुआ है, ये रहा, ये देखो ऐसे करके दिखाओ, साइड से है इसका। हाँ कितने प्यारे कलर्स आ रहे हैं, ठीक है चलो ये भी एक। ये क्या है, ये हेयर बैंड है, बैंड है इसका तो मुझे पता था, चलो ये भी बस अरूश को ही दे देना। ठीक है चलो, जो आपकी चीज़ें वो आप रख लो, और बाकी अलीन ने अभी, अलीन को एक टास्क मिला था, टीचर ने बोला था कि आपने अपनी असाइनमेंट है, क्या है, स्पीच है, स्पीच रेडी करनी है, तो आपको पीछे जो है कोई इस तरह का बैनर वैनर लगाना है, जो यहाँ का किंग है उसकी कोई पिक्चर होनी चाहिए। वैसे इसने कोशिश की थी ड्रॉ करने की, अलीन ज़रा वो भी दिखा दो जो आपने कोशिश की है ड्रॉ करने की, तो घर में ये ड्रॉ करने की कोशिश करी थी जब हम लोग लेने गए हुए थे, तो वो भी आपको दिखा देती हूँ किसने क्या पिक्चर ड्रॉ की है। ये है जी द फाउंडर ऑफ सऊदी अरेबिया, किंग अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल रहमान अल सऊद, यही नाम लिखा हुआ था उस पर। देखें थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुंह में कोई गड़बड़ कर दी है, ज़्यादा ही टेढ़ा कर दिया ऐसे, जैसे एक तरफ से अंदर चला गया, चलें कोशिश तो की बनाने की। ठीक है चलो, आप भी अपनी चीज़ें वाइंड अप करो और मैं जा रही हूँ, आप अपनी यहाँ पर स्पीच जो है उसको रिकॉर्ड कर लो, तो फिर सुबह देखेंगे अब बाकी के काम। ये वाली वीडियो जो है ये थर्ड डे की है, मीन्स कि हमें वेनसडे से ऑफ था टिल सैटरडे। ठीक है, काफ़ी दिन मिल गए थे, बहुत मज़े का लॉन्ग वीकेंड था, तो हमारी तरह और लोगों ने भी यहाँ पर रहते हुए सऊदी नेशनल डे अच्छे से ज़रूर इंजॉय किया होगा और डेली कुछ ना कुछ नया प्लान किया होगा कि आज यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है। एग्जैक्टली आज हम लोगों ने फ्रेंड्स के साथ मिलकर प्लान किया है आई पार्क जाने का, वेदर भी बहुत अच्छा हो गया है रात का, रात को बहुत अच्छी हवा चलती है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलें जी आई पार्क चलते हैं और वहाँ जाके बारबेक्यू करते हैं। और सब ने अपने अपने चिकन्स को लगा लिया है मसाला और यहाँ पर बस हम लोग जा रहे हैं आई पार्क की तरफ। वैसे मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा जल्दी चले गए थे,
मीन्स के बाकी सब ने निकलना था तकरीबन घर से 8 बजे और हम लोग निकल गए थे 7 बजे और 1 घंटे की ड्राइव थी. थोड़ा सा जल्दी पहुंच के ये था कि थोड़ा रिलैक्स किया, यू नो, सम फैमिली टाइम स्पेंड करना, बातें वातें करना, बस यही चलता रहा. हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ आई पार्क में और सारे हर्ट्स फुल थे तो हम लोगों ने जी मैदान में अपनी चटाई बिछाई और बैठ गए हैं और अरूष को यहाँ लग गई है भूख. क्या खा रही है गुड़िया? नहीं नहीं, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है. अच्छा, इस ऐसा कौन सा डिजाइन है? शो योर अदर फीट आल्सो. ये वाला जो हट आपको नजर आ रहा है, इधर हम वेट कर रहे हैं. हम लोग कितने बजे पहुंचे थे आज? 7 o'clock घर से निकले थे, तकरीबन 8 o'clock हम लोग पहुँच गए थे और उसी वक्त से हम लोग पहले वहाँ पर इतनी दूर बैठे रहे हैं, फिर हम दोनों निकले राउंड लगाने. तो फिर हमें तकरीबन 1.5 घंटे बाद ये हट मिला. और ये सोती है ना? हाँ. फिर इनसे जाके मैंने बात की तो इन्होंने बोला कि 10 मिनट दे दें और ये हम खाली करें, हम जा रहे हैं. हमने देखा कि ये लोग अपना सामान समेट रहे हैं, अपनी चीज़ें उठा के लेके जा रहे हैं. तो फाइनली हम लोग अंदर आके बैठ गए हैं हट के और यहाँ पर बड़ा अच्छा सिस्टम है. ये देखें, सामने स्विच भी है, अगर इलेक्ट्रिक केटल वगैरह हो, मोबाइल चार्ज करना हो, वो सारी फैसिलिटीज़ हैं. ये ऊपर से आप देखें हट लाइट ऑफ भी हो जाती है, ऑन भी हो जाती है. ठीक है, और अलीन जाएँ, रूशा आपको बुला रही है. और यहाँ पर ये है बारबेक्यू के लिए. आई डोंट नो वाई वॉज सो लीजी ऑन डैट डे, मैंने क्यों वीडियो शूट नहीं की, क्या मज़े का बारबेक्यू बना था. और ये जो वीडियो शूट किया है ये मेरे हस्बैंड ने की है. थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए थोड़ी सी तो वीडियो शूट कर दी. वो भी मैंने वैसे याद करवाया था कि आप जेंट्स में बैठे हुए हैं तो प्लीज़ ज़रा बारबेक्यू चल रहा था, थोड़ा सा मेरे लिए रिकॉर्ड कर लें, चले मैं अपने व्लॉग में ऐड कर दूँगी. तो भाई ये जेंट्स तो यू नो कि ऐसी ही वीडियो बनाते हैं. यहाँ पर आपको प्याज और टमाटर भी नज़र आ रहे हैं जो कि बारबेक्यू हो रहे हैं. एनीवेज, बारबेक्यू बहुत मज़े का था. इसके साथ जो हम लोगों ने चटनीज़ बनाई थी बहुत टेस्टी. एक मेरी फ्रेंड है वो गार्लिक की बना के लाई थी, एक सालसा, और मैं लेके गई थी ग्रीन चटनी. बहुत मज़ा आया. और जैसे ही बारबेक्यू ख़त्म हुआ, खा पी लिया, साथ ही आपको पता है जी क्रेविंग होती है कुछ स्वीट की, और यहाँ पर था ऑरेंज केक और साथ में बसबूजा. इसके बाद चाय शाय चलती रही तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने. चलिए आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड. होपफुली आपने खूब सारा इंजॉय किया होगा हमारा सऊदी नेशनल डे. व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर एंड खुदा हाफिज़.